हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आसान राह फॉर यू। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शारदीय नवरात्रि दूसरा दिन शुभ मुहूर्त, देवी ब्रह्मचारिणी पूजा विधि, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय के बारे में। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के देवी ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माँ दुर्गा की 9 शक्तियों में से दूसरी शक्ति है। दूसरे दिन विधिवत इनकी पूजा से सभी काम पूरे होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होकर विजय प्राप्त होती है। देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम में वृद्धि होती है। देवी के इस स्वरूप ने शिवजी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों सालों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या की, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। नवरात्रि दूसरा दिन, तिथि नवरात्रि का दूसरा व्रत और देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा 8 अक्टूबर शुक्रवार के दिन की जाएगी। नवरात्रि दूसरा दिन उपाय। देवी ब्रह्मचारिणी ज्ञान व तपस्या की देवी हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन विधिवत पूजा कर ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का 108 बार जप करें और मां को 5 सुपारी व लौंग अर्पित करें। इस उपाय से न सिर्फ कार्यों में सफलता के मजबूत योग बनते हैं, बल्कि मां की भक्ति से मन शांत रहता है। पूजा विधि। दूसरे नवरात्र के दिन प्रातः स्नान कर देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। सबसे पहले हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करें और प्रार्थना करें। इसके बाद देवी माँ को स्नान कराकर सफेद फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर व अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। इसके बाद माँ के मंत्रों का जाप कर देवी माँ को शक्कर का भोग चढ़ाएं। भोग के बाद 5 सुपारी माँ को अर्पित करें। इसके बाद प्रदक्षिणा करें, यानी 3 बार अपनी ही जगह खड़े होकर परिक्रमा करें। इसके बाद घी व कपूर मिलाकर देवी माँ की आरती कर लें। आइए जान लेते हैं इसकी कथा के बारे में। पौराणिक कथा अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी के कहे अनुसार कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त कर सकें। कठोर तप के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी या तपस्यारिणी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान वे 1000 वर्षों तक केवल फल फूल खाकर जीवित रहीं। कठोर तप से उनका शरीर शीर्ण हो गया। उनका तप देखकर सभी देवी देवता ऋषि मुनि प्रभावित हुए और सभी ने उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि भगवान शिव उन्हें उनके कठोर तप के कारण पति स्वरूप में अवश्य प्राप्त होंगे। इस तरह अपने कठोर तप से उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त किया। जय माता दी।